दिल की सलामी ले ले, दिल
जमाना है नया, ये नया है नया, हमें मिलके जो पूछा वो खसाना है नया। ये जमाना है नया, ये तकाना है नया, हमें मिलके जो पूछा वो खसाना है नया। गुजरू टूट गए बजते साज रुके, अपने आ गए यहाँ तक तो ताज झुके, अपनी आज जुदा अपने शाद जुदा, ऐसे वैसे न सका हम इंसान जुदा, तेरे इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, लगती है।
सेंटर च आए हैं, उत्थे आए साढ़े नाल राजन जी, जो बहुत ही बढ़िया गीत पेश किया, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो मैं राजन जी, थोड़ा जत्था टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग ये सब लेके आ रहे हो। प्रोग्राम बहुत अच्छा है ये, और ये समरकांत जी का है, प्राउड ऑफ इंडिया। हम लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कोई, क्योंकि लोग देखने के लिए आते हैं, ऐसा कोई गाना कुछ भी हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को देखने ऐसा लगता है एक्चुअल ओरिजिनल देख रहे हैं। और मैं और कमल, हम दोनों ये डुएट है, दोनों के बिना बड़े मियाँ ऐ छोटे मियाँ तभी बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ तभी छोटे मियाँ हैं, दोनों मिलकर हम गा रहे थे ताकि पब्लिक को बढ़िया लगे, और पब्लिक को अच्छा लगा, सबसे हमारा सेटिस्फेक्शन है। राजन जी, पब्लिक तो झूमने लग गई, यानी बहुत बढ़िया मजा आ गया। ये मैं जो हम ये कोशिश कर, जो गाना किसने नहीं गाया ना, वही गाना ढूंढने की कोशिश करते, आगे भी ऐसा कुछ ऐसे से गाना ही करेंगे जो लोग ज्यादा देखे नहीं, रेयर होता है, बढ़िया होगा, और अच्छे जैसे डोरेमी जैसे बहुत अच्छी म्यूजिक वहीं से हम करेंगे। राजन जी, ऐसे जानना चाहते थे कि छोटे मियां जी से बात कर ले। हां बिल्कुल बिल्कुल। छोटे मियां जी, क्या लगा आपको अपना इतना बढ़िया प्रोग्राम करके? जो है सर, जो है हमारे वही करता धरता है, वही लेके आते हैं हम इस बड़े बड़े शोज के अंदर। अच्छा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि एक सॉन्ग गाएं, अच्छा गाएं, जिसमें पब्लिक झूम जाए और याद रखे कि हाँ भाई ये कुछ गा के गए थे। जैसे राजा जी गाते गाते एकदम बैठ गए, उन्होंने वो चीज ताजा कर दी जो अमिताभ बच्चन जी ने कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक एक चीज जहन में अपने नोट करते हैं कि इस गाने के अंदर क्या क्या बारीकियां हैं और क्या क्या खासियतें हैं, जो है वो उन चीजों को देखते हैं और जो चीज होती है वो कोशिश करते हैं वो स्टेज पे देने की। लगता है कि राजन जी छाए रहेंगे दुनिया में। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, संगीत की दुनिया में पक्का कोशिश करेंगे। और एक मेरा छोटा सा सवाल ये था कि संगीत की दुनिया में आप आए कैसे? मैं एक्चुअली मैं संगीत को तो मैं वेल लाइक करता था पहले से ही, अब तो वकालत हो गया, पहले वकालत में एक स्टेबिलिटी आ गया, जो चीज़ था उसको मुझे करना था, तो वो मैंने स्टार्ट किया करते करते, मुझे बहुत बढ़िया लगा। फिर मैं ऐसे ऐसे सॉन्ग ले रहा, जो रेयर सॉन्ग्स होते ना, ऐसे गाना शुरू कर दिया। आपका पहचान बनाना पड़ेगा, हम तो किशोर कुमार रफी साहब तो हो नहीं सकते, मैं ऐसा कोई परफॉर्म, मैंने कहा परफॉर्मेंस सिंगिंग आज तक दिल्ली एंसर में कोई नहीं है, इंडिया में ही कम है, तो हमने सोचा ना के बराबर है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग परफॉर्मेंस करो, सांस वाला प्रॉब्लम होता है, वो सांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली तो परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑटोमेटिक हमारा ऑटोमेटिक ये चीज़ हो गया। तो हम कभी कभी उनकी याद दिला देते हैं, उनकी आवाज़ जब आपकी मिलती है। बिल्कुल, मैं कोशिश करते आवाज़ मिलाने की भी, अमिताभ बच्चन हो गया, सुदेश भोसले, दिमाग है ना, एक्टर और सिंगर दिमाग में रखता हूँ और फिर मिलाता हूँ। पिछली बार आया था आपने रफी साहब का गीत, अच्छा याद आया, अरे बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हो जाए। हाँ बिल्कुल, रफी साहब का चाहिए कौन सा? जो आपका दिल करे इधर देख। आज तो हम लोगों ने ये किया, आज वाला है। बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबान, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबान। बहुत बहुत शुक्रिया साडे चैनल नु टाइम दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अगली बार वैसे तो अभी हम लोग 26 को आएंगे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे, 26 को, 25 को तो बात छोटा, लेकिन 26 को बहुत जबरदस्त, 26 को। ओके, एक समय संगीत की दुनिया में अगर जी हम राजन ये के हैं, बहुत ऑर्गेनाइजर हम लोग, नहीं अब आज तो हम एज ए ऑडियंस आए हैं और सिर्फ इनके फैन है और इनको देखने आए हैं और हमें बहुत मजा आया, इनका बहुत बड़ा और आज के गाने का बहुत मजा। और हमारे पुनीत जी है, पुनीत है इनके असिस्टेंट है, और ये हमेशा इनका साथ देते हैं, ड्रेस वगैरह एक हां सारा काम यही संभालते हैं, इनके बिना तो ड्रेस वगैरह ये सब कुछ ये पुनीत जी संभालते हैं, कस्टम डिजाइनर, कस्टम डिजाइनर ये ऐसे टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेरे साथ बने रहना। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, संगीत की दुनिया के लोग निराश ना हो, जो गए हैं कोई बड़ी बात नहीं, उनकी आवाज़ें इनके दिल के अंदर और दिल के अंदर धड़की थी जी जी, जब वो धड़की थी उनकी याद आती है जी। मैं हुसनेक सिंह पिंकर, मेरे साथी प्रकाश ज्ञान।